दोस्तों आज हम याद करेंगे ग्रह और उनके उपग्रहों की संख्या। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले है मंगल, और मंगल के दो उपग्रह हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, बजरंग बली का वार होता है, और मंगलवार को हम क्या करते हैं, सुबह शाम दो टाइम, देखिए दो हो गया ना, सुबह भी पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी का और शाम को भी करते हैं हनुमान जी का पूजा पाठ। भाई मैं तो करता हूँ और शायद आप भी करते होंगे, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मंगलवार को हम पूजा पाठ करते हैं दिन में दो टाइम, यानी कि सुबह और शाम, और मंगल के कितने उपग्रह हो गए, दो। नेक्स्ट अरुण, और अरुण के उपग्रह की संख्या है 27। अब देखिए अरुण, अरुण से हमें याद आता है ना कि अरुण नाम का लड़का है, जो अरुण नाम का लड़का है वो पूजा पाठ में भक्ति में हम सबसे आगे है। क्यों, अब देखिए 27 क्योंकि वो टू का, यानी कि दो, दिन में दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7ों दिन वो भक्ति में इसलिए हम सबसे आगे है कि वो दिन में दोनों टाइम और हफ्ते में 7ों दिन, हो गया ना 27 का, और दिन में दोनों टाइम हफ्ते में 7ों दिन पूजा पाठ करता है। अब नेक्स्ट है बृहस्पति, और इसके ग्रह की संख्या है 67, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रह हैं बृहस्पति के। अब देखिए बृहस्पति लास्ट में आ रहा है ना पति, एक महिला के पति गुम हो जाते हैं तो वो कंप्लेंट लिखाने जाती है पुलिस स्टेशन में, और क्या कहानी बनती है देखिए हम उससे याद करेंगे इन सबको। और पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है नाना पाटेकर। अब महिला कह रही है सर छह सात दिन से मेरे पति बृहस्पति, यानी कि मेरे पति 6-7 दिन से 67 यानी कि 67 गायब है। सर 6-7 दिन से मेरे पति गायब है। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ 6-7 दिन से पति गायब है और कंप्लेंट अब लिखाने आई है, हाँ अच्छा है, कैसी पत्नी है तू, हाँ। तो बृहस्पति यानी कि पति कब से गायब है, 6-7 दिन से, ये बन जाएंगे 67। दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, बृहस्पति के अभी लेटेस्ट 12 ग्रहों को खोजा गया है तो उनकी ग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई है 79 यानी कि 79। तो एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आया आप देख, अगर ऑप्शन में दोनों मिले 67 और 79 तो 79 पे क्लिक करना। नेक्स्ट है शनि, और शनि के कितने उपग्रह हैं, 62। अब जो पति गुम हुआ है 6-7 दिन से उसका नाम पूछ रहे हैं, और उसका नाम क्या है, सनी, सनी नाम है, और उम्र कितनी है, 62 वर्ष के हैं वो पति जो गुम हुए, उनका नाम क्या है, सनी, और इनकी उम्र है 62 यानी कि 62 वर्ष। तो सनी को ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट वरुण, और वरुण के उपग्रहों की संख्या है 14। अब देखिए वरुण में स्टार्टिंग में आ रहा है वर वधु वाला। अब देखिए वर ने यानी कि वरुण ने डिमांड की दहेज की, किससे, वधु से। अब वधु को आ गया गुस्सा, वधु ने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने वरुण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको पता ही होगा कि न्यायिक हिरासत जो होती है वो 14 दिन की होती है, और यहाँ वरुण के उपग्रह है 14, वरुण को हम रिलेट कर रहे हैं वर से, और वर ने क्या गलती की, दहेज मांगा, तो पुलिस कंप्लेंट हो गई और पुलिस ने वर को यानी कि वरुण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों प्लीज डोंट टेक माइंड, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए और रिलेट कराने के लिए है, और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है तो ये 0 है, और इससे आगे है पृथ्वी, पृथ्वी का एक उपग्रह आपको पता ही है चंद्रमा, तो इनको शायद रिलेट कराने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रह और उनके उपग्रह, अब आपको मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज। पावे मुझे इसका जवाब चाहिए, सूर्य भगवान की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों दीजिए इसका फटाफट सही सही जवाब, और इस वीडियो के बारे कोई भी सुझाव कोई भी विचार तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।